नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे एक 43 इंच का पांडा पैनल है। पांडा पैनल के अंदर प्रॉब्लम क्या है देखिएगा। अभी मदरबोर्ड ऑन कर रहा हूँ। पैनल ऑन हो गया है, देखिएगा। अब नॉर्मल पिक्चर है, ठीक है। इसको कैसे शॉर्ट निकालेंगे वही ये सेशन में देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं अकेला वीडियो कर रहा हूँ, थोड़ा सा तकलीफ रहेगी, ठीक है। पहले पैनल की शॉर्ट इस तरफ है कि इस तरफ है वो पहला कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में उसके अंदर अपना हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर देख के अपन शॉर्ट निकाल लेंगे, फिर पिक्चर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। अभी अपने को इसी साइड शॉर्ट मिला है, इसी साइड का शॉर्ट CKV1 CKVB1 इस दोनों का बीच में शॉर्ट है इस साइड। वो शॉर्ट निकालने से पहले अपन ठीक कान को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। शॉर्ट किलर में अपन कितना वोल्ट देंगे, 40 वोल्ट। एक मिनट, थर्टी सिक्स का आसपास है, तुम 40 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। CKV1 में अपन 40 वोल्ट दे रहे हैं। देखा लाइट आया स्क्रीन में, लाइट आया देखा, ठीक है। अभी वो शॉर्ट अट गया है। इसी के बाद में अपन क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। अभी बोर्ड लगाएंगे, ऑन करके देखेंगे। अभी हमने टीकन लगा दिया। अभी इस सबको ऑन करेंगे, ये जो है ऑन किया हो, देखिएगा TCL लिखे आया है, ठीक है। अभी हमने इस जगह पे स्क्रैच किया था, उस जगह पे क्या करेंगे, सोल्डरिंग मास्क लगा देंगे। जो जगह पे अपन ने जो काम किया है उसी के अंदर सोल्डरिंग मास्क पेस्ट है ना, पेस्ट, सोल्डरिंग मास्क का पेस्ट लगाएंगे। उसी के बाद में उसी में UV लाइट मार के उसको सुखा देंगे, ठीक है दोस्त। अभी आप लोग को समझ में आया रहेगा कि शॉर्ट कैसा निकालनी है करके। अभी यूवी लाइट मार रहा हूँ, इसका अंदर रख देता हूँ, थोड़ा सूख जाता है। यूवी लाइट 2 मिनट के लिए रहेगा, ठीक है। एकदम परफेक्ट ये सेट बन गया है। ये जो लाइन है ये बॉन्डिंग का प्रॉब्लम है, इसी में एक लाइन आ रही है, वो बॉन्डिंग का प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।